बच्चों आज हम लोग चैप्टर 6 में जो थर्ड टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्लास 9 के अंदर मैथमेटिक्स में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल है अपना, ये एक ट्रायंगल है, इसके जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं, जितने भी इंटरनल एंगल में तीन इंटरनल एंगल्स आएंगे, इन तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ये इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब ये ट्रायंगल जो है इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करके देखते हैं। प्रूव देखो, अपने पास ये जो ट्रायंगल है, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का के जो तीनों एंगल्स हैं उसका सम 180 डिग्री होगा। ठीक, अब देखिए हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन ये किया है जो बीसी साइड है ट्रायंगल के, इसके पैरेलल ए वर्टेक्स से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी थ्रू ए, ए के थ्रू बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब देखिए अपने पास मैं इसको अगर MN कहता हूं तो MN जो है इज पैरेलल टू बीसी है। MN जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल है तो उसके लिए एसी और AB जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेंगे। ठीक, अब ट्रांसवर्सल की तरह अगर काम करेंगे तो ये जो एंगल है, मैं अगर इसको 1 कहता हूं तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक, तो यहां पे ए सी एंड ए बी विल बी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल होगा। अब ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी, ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने इससे पिछले एक्सरसाइज में देखा। सिमिलरली एंगल ये अगर मैं 2 कहता हूं तो एंगल 2 जो है इसको, एंगल 2 जो है एंगल बी के बराबर होगा, तो एंगल 2 इज एंगल बी के इक्वल। ठीक, अब देखिए फ्रॉम फिगर, फिगर से हम क्या देखते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1 ये 180 डिग्री होगा। देखो इन तीनों एंगल का सब क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, सारे स्ट्रेट एंगल्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 फिर एंगल ए और एंगल 2 इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। ठीक, अब एंगल 2 जो है, एंगल 2 तो अब एंगल 2 जो है किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर। एंगल ए को वैसे लिखेंगे, एंगल 1 जो है एंगल सी के बराबर। तो देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इन तीनों एंगल्स का सम क्या गया, 180 डिग्री। ठीक, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब इस पे बेस में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3। इन फिगर इफ पीक्यू इज परपेंडिकुलर टू पीएस, देखिए पीक्यू जो है पीएस के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, यानी ये वाला एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल क्यू आर टी इज 65, ये एंगल 65 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक,
कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले x और y किस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हैं, ये पी क्यू एस के ट्रायंगल्स हैं या के एंगल्स हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एस, देखो एंगल x प्लस y प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। यानी कि ये x प्लस y हमारे को क्या मिल जाएगा, x प्लस y ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब QRT ये अपना क्या दिया हुआ है, 65 डिग्री। अब देखिए PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था, ये 28 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब ऐसा करते हैं, ये जो ट्रायंगल SQR है इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब कि क्या हो गया, ये इन दोनों एंगल्स का सम, ये इन दोनों एंगल का सम 65 डिग्री होगा। एक्सटर्नल एंगल जो होता है ऑपोजिट टू इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल SQR, SQR से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल RSQ प्लस एंगल SQR विल बी इक्वल टू एंगल QRT, यानी कि एंगल RSQ प्लस SQR इज 28 डिग्री एंड ये 65 डिग्री दिया हुआ था, यानी कि एंगल RSQ यहां से हमें 65 माइनस 28 यानी कि ये 37 डिग्री मिल जाएगा, ये एंगल अपने पास 37 डिग्री आ जाएगा। अब ऐसा है, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज पैरेलल टू SR ये भी दिया हुआ है, ये मेरे यहाँ पे छूट गया था, एंड ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू SR, PQ जो है SR के पैरेलल है, तो PQ SR के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल X जो है वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। एंगल X जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या यहां से भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर सकते थे, x plus 28 is equal to 65 degree, तो यहां से अपने को एंगल RSQ is equal to x यानी कि 37 डिग्री, तो x हमें 37 मिल गया, therefore y कितना होगा 90 minus 37, क्योंकि x plus y का सम 90 डिग्री था, तो यहां से 53 डिग्री अपने पास y की वैल्यू आ गई, तो हमें x और y चाहिए था जो कि मिल चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपने एनसीईआरटी का, इन द गिवन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, देखिए ये ट्रायंगल PQR है तो इसके साइड QR की बात हो रही है, इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S, इसको हमने पॉइंट S तक प्रोड्यूस किया है, ठीक, QR को हमने S पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR, सॉरी बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, तो एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर, देखो इस एंगल का, तो इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, एंड PRS इन दोनों एंगल का भी बाइसेक्टर, मीट एट पॉइंट T, तो ये किस पॉइंट पे मिलते हैं, T पॉइंट पे मिलते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि QTR, QTR का मतलब हो गया ये एंगल, ये वाला एंगल, ये QPR का हाफ होगा, ठीक। तो देखते हैं प्रूफ, देखिए एंगल PRS, जो PRS है वो इन दोनों एंगल का सम होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट टू एंगल्स के, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, ठीक। एंगल QTR, देखिए सबसे पहले अगर हम एंगल QTR लिखना चाहें, QTR ये वाला एंगल है, तो QTR जो है 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, माइनस दिस एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल पूरा, तो ये 180 डिग्री माइनस एंगल RTQR, TQR माइनस एंगल
देखिए अब ये पूरा एंगल टी आर क्यू, तो माइनस टी आर क्यू, इसको हम 180 डिग्री माइनस, देखिए टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये जो टी क्यू आर है इस एंगल का हाफ है, ठीक, प्लस देखो मैंने ब्रैकेट लगाया है तो माइनस दिया तो ये टी आर, अब ये प्लस बन जाएगा, टी आर क्यू क्या लिखा जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस प्लस, देखिए पी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल, ये जो पूरा एंगल है इसका ये हाफ था, तो ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब देखते हैं 180 डिग्री माइनस, देखिए एंगल ये पी क्यू आर, पी क्यू आर का ये हाफ था और ये पी आर क्यू और पी आर एस, हमें प्रूव क्या करना है, क्यू टी आर जो है क्यू पी आर के बराबर होगा, ठीक, तो ये हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर एस, ये क्या लिखा जाता है, हाफ ऑफ, देखिए पी आर एस को क्या लिखते, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक, तो ये लिखा जाता एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक, और प्लस ये अपना एंगल पी आर क्यू है, ठीक। देखिए 180 डिग्री माइनस, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक। देखिए 180 डिग्री माइनस, देखिए पी क्यू आर प्लस हाफ पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये पी क्यू आर और ये इसको मैं लिख लेता हूँ पी आर क्यू, इसको बाद में लिख देते हैं, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक हो गया, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, ये 180 डिग्री माइनस, इन दोनों एंगल को, इन दोनों एंगल का सम, ये एंगल प्लस ये एंगल है, इसको मैं 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी आर लिख सकता हूं, ठीक, प्लस ये हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर हो गया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर माइनस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये आपस में कैंसिल, क्यू पी आर माइनस हाफ ऑफ क्यू पी आर, तो क्या आ गया, एंगल क्यू पी आर का हाफ, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक, इसके बराबर था एंगल क्यू टी आर के बराबर, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है।